खबर है जनपद अयोध्या से, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करके आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनाने का अपना संकल्प दोहराया। इसी कड़ी में आज अयोध्या के हाईवे स्थित एक रिसोर्ट में चल रहे समाजवादी पार्टी का साथी समागम का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व लालजी मंत्री लालजी वर्मा ने भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने स्मृति चिन्ह व फूल माला देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुक्ति होते हुए सपा नेता लालजी वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा की सरकार आम जनता के साथ अन्याय कर रही है। किसानों का धान क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जा रहा है और नौजवानों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी, वही महंगाई आसमान छू रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता आम चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आम जनता अब बदलाव के लिए तैयार है, हमें बहुत अधिक तैयारी करने की जरूरत है। सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर लालजी वर्मा ने कहा, जो भाजपा का कुशासन है उसका जवाब जनता स्वयं देगी, उनको चुनाव में हरा कर जवाब देगी। आज समाज का एक एक बच्चा सीएम योगी से नाराज है। वही कोरोना काल में ऑक्सीजन न होने के कारण मौतें हुई, जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, उससे भाजपा को लाभ मिलने वाला नहीं, उसका नुकसान ही भाजपा को मिलेगा। जहां से सीएम योगी चुनाव लड़ेंगे उसके अगल बगल सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पराजित होंगे। आज अयोध्या में सपा के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन के नेतृत्व में साथी समागम का आयोजन किया गया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से सतीश यादव की रिपोर्ट। लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरह से ये सरकार आम जनता के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, किसानों का धान आज क्रय खरीदा नहीं जा रहा है, नौजवानों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है और साथ ही साथ महंगाई आसमान को छू रही है, ऐसी स्थिति में आम जनता स्वयं चुनाव के लिए तैयार है, बदलाव के लिए तैयार है। हम लोगों को कोई बहुत अधिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि योगी जी का जो कुशासन है उसका जवाब जनता स्वयं देगी और उनको चुनाव में हराकर उसका जवाब देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, भारतीय कुशासन जो है जिसका, आज एक एक बच्चा योगी जी से नाराज है और उनके कुशासन से जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन के कारण हजारों लोग मरे हैं और जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ है, बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, उससे उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा बल्कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे उसके अगल बगल सारी सीटों पर भारतीय जनता